स्टैंडिंग स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, तो मोस्टली लैट को इंगेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं इसकी दोनों वेरिएशन यूज़ करता हूँ, स्टैंडिंग भी और लाई डाउन होके बेंच पे भी। तो मोस्टली मैं अब सीट को ऐसे करके एडजस्ट करता हूँ कि मैं बॉडी का मोमेंटम जो स्टैंडिंग में मिल ले पाता हूँ वो ना लेके प्रॉपरली लैट को एक्टिवेट कर पाता हूँ। इसके बाद मैं इसीलिए बाबल बेंट ओवर रोज में आ जाता हूँ, तो ओवरहेड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं स्टार्टिंग में, लेकिन पहले मेरा लैट पूरे पंप हो जाए उसके बाद। अब ओवर हैंड ग्रिप से स्टार्ट करता हूँ, आप 3 सेट से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं कभी 3 भी करता हूँ, कभी 4 भी करता हूँ। रेप रेंज 10 से 12 मैक्सिमम। शिफ्ट करता हूँ मैं केबल रोज पे, स्टार्टिंग में मैं अपनी थोड़ी रेंज ऑफ मोशन पूरी भी रखता हूँ, बीच में पार्शल भी करता हूँ, तो मिड बैक को भी ज़्यादा हिट करने की कोशिश करता हूँ उसमें। न्यूट्रल ग्रिप में थोड़ा सा ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलता है, तो इसलिए मैं ऐसे हैंडल्स का ज़्यादा यूज़ करता हूँ इन रो में। थोड़ी हेवी रोज में आने के बाद मैं रिवर्स हैंड को ऐसे डीप आर पे इस हैंडल के साथ बनाता हूँ, लेकिन वेट भी उतना रखता हूँ जितना मैं कंट्रोल में निकाल पाऊँ। 8, 10, maximum 12 रेपिटेशन, यही मेरी रेप रेंज है, इसी में ज़्यादा से ज़्यादा हिट करने की कोशिश करता हूँ और फील करने की कोशिश करता हूँ अपनी मसल को। हेवियर पे जाता हूँ 50 भी हो जाता है और 60 भी होता है, आज इतना हेवी नहीं है। आप थोड़ी हेवी रोज में 40 kg अराउंड कंट्रोल रेप निकालने में को, चाहे वो 5 निकले 6 निकले। बहुत अच्छा वेरिएशन है, आप बारबल रो की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। मशीन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूँ, रिवर्स हैंड इमीडिएट में स्विच करता हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छा पंप मेंटेन कर पाऊँ, ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मसल पे लेके आ पाऊँ। मैं हर एक रेप को फोकस करता हूँ, फील करता हूँ। नेक्स्ट रियर एल्बो का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, टंबल से भी करता हूँ, और ये मशीन जब है हमारे पास तो मशीन का यूज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हाई रो, क्योंकि लैट का वर्कआउट हो, बैक का हो पूरा, और आपके रियर एल्बो पंप ना हो तो ये तो बात अच्छी नहीं है। रिवर्स केबल फ्लाई, मैं हमेशा हाई रो के बाद इसको ज़रूर हिट करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं सीधे से रियर एल्बो को पंप करता हूँ, नहीं, मैं हमेशा हाई रोज करता हूँ उसके बाद ये लास्ट में हिट करता हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये मेरे रियर एल्बो को और ज़्यादा पंप अप करने के लिए बिल्कुल फिनिश पे। तो उसके 3 सेट भी होते हैं, कभी 4 भी होते हैं, तो अलग अलग उसमें मैं अपने थोड़े से एंगल को चेंज करता रहता हूँ। देखिए क्या पता आपको ये हेल्प करे, मेरा वर्कआउट रूटीन मेरे चेंज होते रहते हैं, आगे के रूटीन भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आगे देखने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगी। फिर मिलते हैं, थैंक यू।